भाई साहब क्या तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉला ही पूरा नीचे उतर गया। फिर हम इस रास्ते अब कैसे जाएंगे, तो रास्ता ही बंद हो गया हमारा, तो हमें तो यहीं से जाना था। वैसे नवीन जी से हम मिल लिए हैं, पर ये देखो भाई ये तो सीन तगड़ा हो गया। यहाँ से उतरा है मेरे ख्याल से ना, यहाँ से देखो ये टायर का निशान भी है, यहाँ से ऊपर चढ़ गया नीचे गिरा है। ये दो पलटे आपस में, एक गया एक को बचाने के चक्कर में दूसरा, है ना। ये तो मुझे लग रहा है टक्कर मारी होगी, कुछ तो हुआ होगा। ट्रैक्टर ने टक्कर मारी और एक गल तीन तीन हो रहा है। ये एक ही है ना ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर से ऊपर नजर रखता है। हाँ ओ भाई साहब तगड़ा ही हो रहा है, किसी की जान ना गई हो, बस किसी की जान ना गई हो, ये बात तो जरूर है। इसको तोड़ के लिए कट गाओ भाई साहब। ये जो नया बना है ना, इसमें ये जब तक ये स्ट्रेट चालू नहीं होगा ना, ये कट है ना, इस कट की वजह से दिक्कत होती है। और नवीन भैया कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। मजा मा? आप सुनाओ। मजे मा? बहुत ही बढ़िया। अब ये थोड़ा सा रूट लंबा हो गया हमारे लिए है, पर बढ़िया है अभी। अब कहाँ से बालगढ़ के वहाँ से निकालेंगे हैं। अच्छा जो उस दिन वाला कट से गए, जो उस दिन गए थे हम। ठीक 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 उस वाले कट से नहीं, अब सुधर बालगढ़। वैसे हम यहाँ से भी यूटर्न मार सकते हैं। नहीं नहीं फ्लाईओवर के पास ही चलोगे, ये भी फसल बन जाएगी सारी। कहाँ पे? फ्लाईओवर के पास ही, वो बालगढ़ का जो फ्लाईओवर। अच्छा तो उसके अंदर कट कैसे मारेंगे उस पे? है ना वहाँ कट पेट्रोल पंप के। वैसे देखो गाड़ियाँ यूटर्न मार रही है यहाँ पे, हमें जाना कि उल्टा इतना उल्टा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके सर। चलो भाई चलते हैं यहाँ से। ओए ये देखो रास्ते में क्या पड़ा हुआ है, ये कपड़ा कत्तर है, कत्तर कोई गया होगा, कत्तर का ट्रक। भाई सब जब जब चांदनी चौक जाना हो इस जाम के लिए रेडी रहना, करीबन तकरीबन तकरीबन 1.25 किलोमीटर का ये जाम, पैरों में दर्द करेगा। और यहाँ पर याद आती है फिर ऑटोमेटिक गाड़ी की। नवीन जी की ऑटोमेटिक गाड़ी ले लो यार। लेऊंगा घर घर जाके, घर में रखी हुई है छुपा के हैं। ये जो फ्लाईओवर खत्म होगा उसके बाद एक आगे जाके टर्न होके एक फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर कोने पे काम चल रहा है, उसकी वजह से जाम डेली लगता है। लास्ट टाइम जब आया था उस वीडियो में भी दिखाया था, आज भी दिखा रहा हूँ। नवीन जी गाड़ी चलाओगे? आ जाओ इधर। नवीन जी क्या खिला रहे हो आज? अंकल जी की फेमस कचौड़ी, 40 साल से है, 35 साल से। थोड़ी लंबी फेंक दी अंकल जी, 22 साल थोड़ी सी एक्स्ट्रा फेंक दी। 22 साल कम है, 22 साल बहुत होते भाई, बहुत होते, मानने वाली बात है। लास्ट टाइम खाया था, बढ़िया था। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मेरे भी भाई भूख लग रही है ना, खाया नहीं है, नाश्ता नहीं कर रखा अपन ने, आए थे भाई ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। नाम क्या अंकल जी अपना? हाँ वीडियो में देख के बता। अरे शर्मा आ गए अंकल जी, मेरी वाली में मत डालना। कोई नहीं अंकल जी, शर्मा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से खाते, सोनू नाम है, जल्दी से खाते कचौड़ी, बड़ी टेस्टी बनाते हैं। भूख लग रही है, सामान ले लिया भाई। नवीन जी आज से मैं नवीन नहीं हूँ। अरे यार स्ट्रेट चल लो ना, जाना तो यही है। सामान सुन सब परचेज कर लिया है और अब यहाँ से हम जा रहे हैं इंडिया गेट। नवीन जी अभी यहाँ से आगे इंडिया गेट के बाद कहाँ जाएंगे हम? इंडिया गेट जाएंगे, फिर जाएंगे नोएडा। नोएडा बहुत बढ़िया। और यहाँ रेड लाइट पे खड़े हैं। आज तक एक बात है, गर्मी है? गर्मी नहीं है, हम हॉट है। ये देखो एसी चल रहा है गाड़ी में, तुम्हारे गांव वाले ग्रुप में डालूंगा ये, मैं होट हूँ। अरे होट का मतलब गरम गरम हो रहे तुम, ज्यादा गरम हो रहे हो। मेरा होट में यहाँ दिक्कत हो रही है, होट गरम हो गया ज्यादा है। जल जल रहा है होट है, सही कह रहे हो भाई। तो कसम से आज मतलब धूप ऐसी निकली है, कल तक धूप नहीं थी और आज निकली तो ऐसी निकली कि भाई चुभ रही है लिटरली। जैकेट मैंने उतार दी, पतली सी टी शर्ट पहन रखी है और यहाँ एसी चल रहा है गाड़ी में। अरे तुम तो हॉट ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। सो ये रेड फोर्ट आ गए हम। और एक मतलब सीरियसली एक बात बताऊँ कि मेरा बर्थ जो है दिल्ली का है और मैं रेड फोर्ट आज तक नहीं घूमा, मैंने आज तक भी रेड फोर्ट नहीं देखा अंदर से। और ये देखो इनकी आदत है, जब मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ तभी इनका स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले या उसके बाद नहीं करेंगे।
है जी बुरा मान गए जी। और ये हम आ गए हैं खान मार्केट। मैंने आज तक नाम ही सुना था इस मार्केट का, आज पहली बार आया हूँ। और काफी बड़ी मार्केट है यार भाई, सब अमीरों वाली मार्केट है। तो है नवीन भैया, ये सब राजनेताओं की मार्केट है ना सर ये। हम अपने फूल लेने आए हैं, फूल लेके चलते हैं यहाँ से शांति से। जो कार्य करने आए हैं वो करिए और निकलिए यहाँ से, दफा हो जाइए। ये देखो यार मार्केट, ओह न्यू दिल्ली, क्या बात है। नोटिस, मार्केट इज क्लोज ड्यू टू वीकेंड कर्फ्यू, ओनली एसेंशियल गुड सर्विस शॉप्स आर ओपन। भाई अब तो खत्म हो गया। अरे भैया ने कहा था यहाँ पर लेफ्ट में कहीं, यहाँ नहीं, वो आगे कहा था आगे चलते रहना, आगे लेफ्ट में पड़ेगी। ये मार्केट तो बढ़िया है यार। इसमें है क्या मार्केट में ऐसा? सारे ब्रांड्स हैं महंगे महंगे। हाँ सही, बुके की शॉप पे आ गए भाई साहब, बुके पसंद कर रहे हैं। ये बढ़िया बोला आप, मुझे दे दो। वो है कि नहीं है देखते हैं। कितने दिन की दाना खाए अंडा हम? तो पहले चेक करके आना है कि वहाँ है नहीं, तो पहले हम पता नहीं कर लेते फिर ढूंढने आते। ये पुराना स्टाइल हो गया, वो सही लग रहा है उसमें ऊपर, वो रेड वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो वाला भी अच्छा लग रहा है, बीच वाला भी अच्छा लग रहा है। लगा भी तो लेते हैं तो उसको रख लेंगे वो टेबल पे। मेरा तो इंटरेस्ट वहां पर है गोलगप्पो में। मेरा इंटरेस्ट तो गोलगप्पो में भाई। तो भाइयों ये है प्रगति मैदान सराय काले खां, मतलब मुझे नहीं पता कौन सी रोड है, बट ये एक फ्लाईओवर है। अब ये फ्लाईओवर क्यों बनते हैं हमारे इंडिया में, है नवीन जी क्यों बनते हैं? ये भीड़ खत्म करने के लिए बनाए, जाम खत्म करने के लिए फ्लाईओवर बनते हैं। और अगर फ्लाईओवर के ऊपर ही जाम हो तो कोई क्या करे। इसके ऊपर एक और फ्लाईओवर बनेगा भाई साहब, मतलब चीज देखो यार, फ्लाईओवर बनता किस लिए कि जाम खत्म हो जाए, और यहाँ तो फ्लाईओवर के ऊपर ही जाम हो रहा है। कोई क्या ही करे यार, मतलब कुछ भी पॉसिबल है यार। तो पंख निकल जाएंगे ना, ये उड़ती हुई निकल जाएगी। लेनी पड़ेगी ये थार, ही लूंगा मैं भाई साहब। ये जाम मतलब ये जो जाम है ये इसलिए कि फ्लाईओवर के ऊपर रेड लाइट है यार। भाई फर्स्ट टाइम लाइफ का एक्सपीरियंस है मेरा, फर्स्ट टाइम की मतलब किसी फ्लाईओवर के ऊपर रेड लाइट। वो देखो और लगी हुई रेड लाइट सामने, उधर से एक बार ट्रैफिक वहां से छोड़ रहा है, एक बार ट्रैफिक यहाँ से छूट रहा है, इसलिए जाम है। तुमने पहले देखा था ये चीज कभी? यही तुमने बताया था ऑफ रोड है। वैसे तुमने कभी ऐसा देखा है कि फ्लाईओवर के ऊपर इतना रेड लाइट? आपने नहीं देखा ना भाई? मैंने भी कभी, मैंने ऐसा जिंदगी में नहीं देखा है, पहली बार देख रहा हूँ। वहाँ छत पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? उस छत के पीछे जस्ट एक हवाई जहाज उड़ रहा है जो मुझे तो अपनी आंखों से दिख रहा है पर मोबाइल से नहीं दिख पाएगा। एक बात बताऊं आपको, इन बातों कुछ नजर आया पता है, बातों में पता है, इन बातों में कुछ धरा तो है नहीं। और बातों में कुछ धरा ही नहीं है। और बातों में कुछ धरा ही नहीं। जिंदगी पता क्या है, वर्षा नाम की चोरी भी आग लगा के चली जाए। वर्षा नाम की वर्षा ये मतलब पंच मुझे समझ नहीं आया। अरे वर्षा नाम की छोरी भी जिंदगी में आग लगा के चले जाए, मतलब छोड़ो ये बकवास करते रहेंगे, इनकी तो बात ही नहीं खत्म होनी। वर्षा और आग दोनों का देखो कि बकवास लगी रहेगी इनकी तो। चलो भाई अपनी ग्रीन हो गई, अब चलते हैं। तो फाइनली आ गए हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा। भाई सब
क्या ही यहाँ पर सोसाइटीज बनी है, क्या ही बिल्डिंग्स है, पीछे चली गई सोसाइटीज। तो अभी वापसी में शायद दिखाऊं, मज़ा आ गया देख के यार। इस साइड वाले नोएडा में फर्स्ट टाइम आया हूँ, इससे पहले मैं मतलब बहुत साल पहले कभी आया था। नवीन भैया इसका पूरा दिन बर्बाद करवा दिया अपने। हैं यही काम लिए तो बना हुआ है ये काम चल रहा है अपना। कैबिनेट्स प्रिंट हो रही है सारी नोएडा में। सो रात के अभी 7 हो गया, घर आ चुका हूँ वापसी भी, 10 मिनट पहले आया हूँ और पीछे खाना बना के रेडी कर रखा है, तो खाना खाता हूँ और नॉर्मली वही ब्लॉगिंग व्लॉगिंग देखेंगे सारे, थोड़ी देर में सो जाऊँगा, 7 तो हो चुके हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को अब यही एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी बताना अच्छा लगा लगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।